आपके सामने एक संख्या लिखी है 2/√2। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, कैसे सरल करें, ऐसे संख्याओं को कैसे लिखें? तो ध्यान रखना, 2/√2 का मतलब होता है आप इसको ऐसा करें, ये दो ऐसे रहने दें और रूट दो नीचे रहने दें, और ऊपर नीचे आपको क्या करना है, रूट दो से गुणा भाग कर लेना है। एक तरीका तो ये, तो उस केस में आपके ये क्या बन जाएगा, ऊपर 2√2 और नीचे √2 × √2। तो आपको पता होना चाहिए कि √2 × √2 कितना होता है, 2। जैसे √3 × √3 3 होता है, ऐसी चीजें हमें याद रखनी है। तो नीचे आपके क्या हो जाएगा, √2 × √2 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो आपके कितना आंसर आ गया, ओनली √2। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि 3/√3 करें तो क्या बनेगा, सेम वही तरीका है, ठीक है, कैसे, ये 3/√3 और आप √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दें। इसको कहते हैं परिमेयकरण करना। क्या, परिमेयकरण, रेशनलाइजेशन भी बोलते हैं इसको। तो ये आपके क्या बन गया, 3 × √3 और √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपके 3 से 3 कटा, तो √3। मैं इसके अंदर क्या बताना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब कभी 2/√2 लिखा है तो आपको इसको डायरेक्ट √2 लिखना है। जब कभी रूट या 7/√7 लिखा है तो आपको इसको डायरेक्ट √7 ही लिखना है, दोनों एक ही बात है। ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अक्सर आता है कि अगर 2 है तो इसको आप उल्टा भी याद रखें, इसको 2 को √2 × √2 कर सकते हैं। अगर 3 लिखा है तो इसको √3 × √3 भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें हमें याद रखनी है। मैंने केवल 2 और 3 ही लिया है, आप √7 × √7 भी 7 करेंगे तो आपके घर मान लो 11 लिखा है तो 11 को क्या लिखोगे, √11 × √11। ऐसी चीजें अपने को याद रखनी है। रूट की छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सोल्व करने में आपको जरूरत पड़ेगी ताकि आप इसको इजी वे में कर सकें।